हमारी पार्टी की धारणा है कि गौर गरीब पिछड़े लोगों को कैसे मदद मिल सके, ये धारणा को लेते हुए आज गर्म पानी मिल कॉर्नल कोतवालपुरा इस वार्ड में मुफ्त महा आरोग्य शिविर रखा गया है, जिसमें 1000 से 1200 लोगों के मुफ्त में उनको यहाँ पे आरोग्य सेवा देंगे और उसके साथ में पूरा उनका ट्रीटमेंट मुफ्त में किया जाएगा, उनको मेडिसिन मुफ्त में देंगे और उसी के साथ जो ज़रूरत की चीज़ें इस माहौल में आधार कार्ड उसका भी हमने यहाँ पे मुफ्त में कैंप लगाया है। और मैं इस कैंप में सब चलो ओके आवाज तो सिकंदर वो जावेद भाई मालूम है कैसा रहता है तुम तो यही ले लिया मैंने आज बिठा दिया सुनोरे मैं तो कॉलेज चलो मैं फोन करो बोले डॉक्टर जी ये तो दवा खाना चाहिए कहीं दिख अब तो माला भेज ला ले मैं तू इधर बस कहां पर एसिडिटी की ये तो मुझे एसिडिटी लग रहा है हो गया यस सर नहीं हां एक शॉल और एक कुप्पी यहां से मैं करके जाता हूं ये लो भाई ओ दादा सोनाली हिलारे मैडम डॉक्टर यांनी आज या शिबिरात मुफत सेवा देण्यासाठी हे आज सेठ नंदलाल दूत हॉस्पिटल तर्फे आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त वार्ड क्रमांक गरम पाणी कोतवालपुरा येथे ते आवर्जून उपस्थित राहिले लोकांना मुफत सेवा देण्यासाठी त्या निमित्ताने मी आदरणीय शहर अध्यक्ष खाजाबाई यांना विनंती करतो की त्यांच्या सिस्टरचा सत्कार करावे शाल ओढा ये भी यहाँ पे मुफ्त सेवा देने के लिए आज यहाँ पे हाजिर है। मैं जयसिंह काका गायकवाड़ साहब हमारे माजी केंद्रीय मंत्री इनको गुजारिश करूँगा कि माजी महापौर रशीद खान मामू साहब इनकी बेटी इनका सत्कार जी इधर देखो बाजी कैसे बाजी इधर सर हाथ लगाओ हाथ लगाओ ऐसा ऐसा अच्छा भाई हाथ लगाओ और से ओके ओके चलो आगे सिस्टर दीसा सिंह इनो भी यहाँ पे आज सेवा देने के लिए हाजिर है गर्म पानी कोतवालपुरा में। मैं हमारे माजी जिला अध्यक्ष हमारे नेता सुधाकर दादा इनसे गुजारिश करूंगा उनका सत्कार हमारे सीनियर डॉक्टर ने हमारे माजी केंद्रीय मंत्री जयसिंह काका गायकवाड़ साहब करेंगे। इसी प्रकार से हमारे डॉक्टर नर्से सुरेखा मैडम इनका ही सत्कार हमारे मुश्ताक साहब ये करेंगे इनसे गुजर मैडम प्रकार से इनका सत्कार हमारे शहर अध्यक्ष दत्ता भांगे इनके करेंगे। दत्ता भांगे वो थोड़ा आई ना अभी और दत्ता भाई समझ गया दत्ता भाई मामू वार्ड में आए पवार साहब के बर्थडे पे मैं माजी महापौर रशीद खान मामू साहब से गुजारिश करूंगा उनका सत्कार करें। मामू इधर देखिए अध्यक्ष साहब हमारे कार्याध्यक्ष अभिषेक भैया देशमुख उनको मैं गुजारिश करूंगा जो आधार कार्ड मुफ्त लगाए वो टीम को यहाँ पे सत्कार सब आ जाओ एक रहे सर इकड़े चलो यहाँ पे मुफ्त सेवा देने के लिए डॉक्टर
सेठ नंदलाल दूत हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ मौजूद है। मैं हमारे विद्यार्थी अध्यक्ष मयूर सोनो ने इनको गुजारिश करूँगा, इनका सत्कार डालो शाल ओके। आज हमारे देश के नेते आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब और हम सब के नेते, पूरे देश के नेते आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, आज इनका 81वां जन्मदिन है। इसी मौके पर जिस तरीके से आदरणीय साहब के विचार थे कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण, ये धोरणा को लेते हुए आज औरंगाबाद शहर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस मैं कार्य अध्यक्ष और हमारे साथ में मेरी टीम की जानिब से आज पूरे शहर के अंदर आरोग्य शिविर, मुफ्त आरोग्य शिविर रखा गया है, जिसमें सेठ नंदलाल दूध हॉस्पिटल और हमारे रोटी बैंक के संचालक यूसुफ मुकाती साहब की तरफ से विशेष सहकार्य यहाँ पे किया गया है। और हमारी सभी नेताओं की यही धोरणा है कि किस तरीके से, हमारी पार्टी की धोरणा है कि गोर गरीब पिछड़े लोगों को कैसे मदद मिल सके, ये धोरणा को लेते हुए आज गर्म पानी मिल कॉर्नल कोतवालपुरा इस वार्ड में मुफ्त महा आरोग्य शिविर रखा गया है, जिसमें 1000 से 1200 लोगों के मुफ्त में उनको यहाँ पे आरोग्य सेवा देंगे और उसके साथ में पूरा उनका ट्रीटमेंट मुफ्त में किया जाएगा, उनको मेडिसिन मुफ्त में देंगे और उसी के साथ जो ज़रूरत की चीज़ें इस माहौल में आधार कार्ड, उसका भी हमने यहाँ पे मुफ्त में कैंप लगाया है। और मैं इस कैंप में सबका योगदान है, हमारे आदरणीय जयसिंह काका माजी मंत्री उनका भी इसमें योगदान, हमारे नेता जिला अध्यक्ष सुधाकर दादा सोनोने साहब, हमारे शहर अध्यक्ष ख्वाजा शरफुद्दीन साहब, हमारे कार्य अध्यक्ष अभिषेक जी देशमुख और यहाँ पे मौजूद इस वार्ड के नेता आदरणीय रशीद खान मामू साहब माजी महापौर और मयूर सोनोने, दत्ता भांगे और हमारे युवक की जुबैर खान आयोजक और यहाँ पे सभी हमारे महिला के अध्यक्ष मेहराज बाजी कार्य अध्यक्ष और मंजूषा पवार मैडम, सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आके योगदान दिया। और ये कैंप यहाँ से आगे शुरू रहेगा 5 बजे तक, ऐसे ही हम आदरणीय पवार साहब के विचार पे आगे भी चलते रहेंगे, ऐसे 2 शब्द बोलता हूँ। बोलिए आदरणीय पवार साहबाचा जन्म 81 जन्मदिनी आम्ही कालपासून औरंगाबाद शहरामध्ये हर ठिकाणी, काल मुकुंदवाडीमध्ये बँकेट वाटप आणि हर किराटपुऱ्यामध्ये आणि आज तर आमच्या युथचे कार्याध्यक्ष यांनी आज मी सकाळी आत्ता येऊन मी चौकशी केली, तिच्यामध्ये 300-400 लोक गरीब गोर हिने तिच्यामध्ये योगदान मिळालं आणि 2.5 लाख रुपयाचं मेडिसिन आणले आणि आमचे मित्र रोटी इसू मुखर्जी आणि यांची सगळी टीम हे जे काम करून आले, तर आदरणीय आमचे पवार साहेबांनी आज आम्ही आत्ताच भाषण ऐकलं तिच्यामध्ये म्हणले की तिने गरीब गोरापाशी जावा, गरीब गोराचे विचार ऐका आणि तिला मदत करा, त्या विचारावर आदरणीय पवार साहेबांचे आमचे 30 आम्ही प्रोग्राम ठेवलेले आहेत औरंगाबादमध्ये जागी जागी, आज कुठं कंबल वाटप, कुठं जेवण, कुठं गरीबाला कसं पवार साहेबांनी आम्हाला आदेश दिलेला आहे की गरीबापाशी जावा आणि गरिबाचे काम करा, त्या त्यांच्या विचारामध्ये आम्ही पुरे औरंगाबाद शहरामध्ये आमचे काका पूर्ण टीम देशमुख साहेब आमचे अध्यक्ष सगळे पूर्ण टीम बाजी सगळे मिळून आम्ही काम करत आहोत आणि असं काम आम्ही करत राहूत आणि असे बी लोक ही बी लोक चांगलं काम करत आहेत, हे बी जे ह्यांचं बी चांगलं काम जितकं कौतुक करावं तेवढं चांगलं काम आहे, हे आमचे चांगले मित्र आहेत, हे आमच्या संघ जुडतील आणि चांगलं काम करत राहतील। ऐसा खुशी के मौके पे क्या मुस्लिम आरक्षण को सपोर्ट करेंगे या मुस्लिम आरक्षण मिलेगा? ये मुस्लिम आरक्षण में जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने 13-14 में दे चुकी थी और इसके पहले तो देने के बाद में रद्द कब हुआ? भाजप सरकार ने रद्द करी, उसके बाद में अभी तक आंदोलन करा गया? अगर आंदोलन कोई करा गया, आप अगर न्यायालय में अगर वो मसला है तो वो मसला ख़त्म हुए बाद हम हमारे सब टीम जाके
मुस्लिम आरक्षण पवार साहब ने बोले, आज सवेरे मैंने भाषण सुना उनका, सब ने बोले कि भाई मुस्लिम मराठा जो भी प्रॉब्लम है हम पूरा सॉल्व करेंगे और ये करके रहेंगे, हम खुद जाएंगे। ये बाकी वाले 7 साल पहले आए थे, वो आरक्षण का मुद्दा मांगे थे, उसके बाद में 7 साल के बाद उनको जाग आ गई इलेक्शन के टाइम में। लोगों के काम करो तो लोग चुन के देंगे, हमारी भावना है कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना की, लोगों के काम करो तो तुम्हारे साथ रहेंगे। हमारे सभी के जानते राजे, देश के जानते राजे, सन्माननीय खासदार शरद चंद्र जी पवार साहब के जन्मदिन के मौके पर आज इस गर्म पानी वार्ड के अंदर हमारे शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर कार्याध्यक्ष शेख कयूम और मध्य विधानसभा के अध्यक्ष जुबैर खान, इन दोनों की कोशिश से यहाँ जो मेडिकल कैंप आयोजित किया था उस मौके पे उद्घाटक, इस कैंप के उद्घाटक हमारे नेता माजी मंत्री सन्माननीय जयसिंह काका जी, इस मौके पे मौजूद हमारे मार्गदर्शक माजी जिलाध्यक्ष सुधाकर दादा जी, और यहाँ पे मौजूद हमारे शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन जी, हमारे प्रदेश के सरचिटनीस मुश्ताक साहब, हमारी बाजी महराज ताई, मंजूषा ताई, और जिन्होंने ये कैंप सक्सेसफुल होगा इसके लिए दिल से, तन से और धन से जिन्होंने मदद की, ऐसे हमारे दोस्त मुखाती जी, और स्पेशल थैंक्स फॉर दूत हॉस्पिटल जिन्होंने डॉक्टर अवेलेबल किए और यहाँ का कैंप सक्सेसफुल होने के लिए हमारे टीम को मदद की। ये मेडिकल कैंप का सही मकसद यही है कि जो लोग आज बीमार है, जो हॉस्पिटल में जा नहीं सकते, ऐसा तबका जो है वहाँ के लोगों को राहत मिले, इसके लिए ये काम मेडिकल कैंप काम में आता है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ आयोजकों को कि उन्होंने सही जगह पे ये मेडिकल कैंप रख के उन सभी तख्ते को राहत देने का काम किया है। यही सीख हमारे को पवार साहब ने दिए हुए हैं और इस सीख पे हम चल रहे हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ ये तख्तों का दुआ रहेगी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऐसी तरह से लोगों की सेवा करती रहेगी, ये मुझे, मैं इस तरह से गवाही देता हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के हमारे सब के नेता, जिसकी वजह से हम आज महिलाएं हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपना काम कर रही है और सुरक्षित है, ऐसे आदरणीय पवार साहब का आज जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर आज हमारे औरंगाबाद शहर में, पूरे महाराष्ट्र में भी हमारे आदरणीय रूपाली ताई चाकनकर इनके नेतृत्व में वर्चुअल रैली में हमने आज कोविड के इसमें जितने भी महिलाएं विधवा हुई भी, वो महिलाओं को सुप्रिया स्वधार योजना के अंतर्गत संजय निराधार में बिठा के आज 100 से 120 तक के महिलाओं का हमने आज उनका संजय निराधार योजना चालू करके दिया है। वर्चुअल रैली में ये सब महिलाएं उपस्थित थी। ऐसी महिलाएं आदरणीय पवार साहब के अंडर में आज पूरे महाराष्ट्र की महिलाएं उनको मौजूद थी। इसी तरह आज हमारे पूरे शहर में पूरे अच्छे से अच्छे प्रोग्राम लेके, जैसे समाज उपयोगी होगा, हॉस्पिटल में ये आज का जो शिविर है या फिर कहीं अन्न वाटप है, आरोग्य शिविर है, इस तरह हम पूरे शहर में आज के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। और हम यही कहेंगे ये प्रोग्राम का और इस सहूलत का सब जनता ने लाभ लेना चाहिए और आदरणीय पवार साहब को और लंबी उम्र लगे, यही दुआ करते हमारे दुर्लभ कदम करते हुए। आज शांति, आज माननीय शरदचंद्र जी पवार साहब का जन्मदिवस है और बड़े धूमधाम से महाराष्ट्र के कोने कोने में इसको मनाया जा रहा है। मनाने का तरीका अलग है, मनाने का तरीका केवल केक नहीं है। देखिए, इस समाज में दो पार्ट हैं, पूरे समाज में हर जाति धर्म पंथ के समाज में दो पार्ट है, एक है हैव्स और दूसरा है हैव नॉट। एक हैव्स यानी खा पी के मजेदार है, मजे में है, और हैव नॉट जो है उसको थाली की चिंता है। जो हैव्स है उनके पास थाली है ही, लेकिन थाली में क्या होना चाहिए इसकी चिंता है, और दूसरी तरफ थाली ही नहीं है, इसको बोलते हैव्स एंड हैव नॉट्स। शरद पवार इज मेड फॉर हैव नॉट्स। शरद पवार जी जो बने हैं
वो नाहिरे वर्ग यानी हाउ नॉट के लिए बने हैं। इसलिए उनका हमेशा कहना है जो छोटे से छोटे तबके में गरीबों से गरीब रहते हैं उनसे आपका नाता जोड़ो, उनकी समस्याएं आपकी समस्या समझो, उनकी दिक्कतें आपकी दिक्कत समझो और उनको उन दिक्कतों से और कठिनाइयों से बाहर निकालने का काम, यही राष्ट्रवादी का काम है। इसलिए ये सब प्रकार के अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम, वो कार्यक्रम के जरिए शरद पवार जी का जन्मदिन हम मना रहे हैं और बड़े धूमधाम से मना रहा है। आपके माध्यम से मैं शरद पवार साहब को शुभेच्छाएं देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको लंबी उम्र और आरोग्यदायी उम्र दे ताकि वो और भी समाज की सेवा कर सके। धन्यवाद। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जनसभा जाओ, ये हमारे जनसभा नहीं उनका इधर 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 पीछे नहीं पीछे एक मिनट सब इधर देखो। ओके अभी आपके सपोर्ट से आरोग्य शिविर जो तो कामयाब हुआ है, क्या कहेंगे? हमारे महाराष्ट्र के सबसे गद्दावर नेता का जन्मदिन है, हम जो है तो सबसे पहले पवार साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से। और ये टीम जो काम कर रही है औरंगाबाद के अंदर रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट, और हमने देखा कि राष्ट्रवादी जो आज ये दो दिन के अंदर हर चौरस्ते के ऊपर राष्ट्रवादी का कार्यक्रम चालू है, पिछले दो दिन से चालू है और कल का दिन भी चालू रहने वाला है कार्यक्रम। तो हम पवार साहब का से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी उम्र लंबी करे और अल्लाह उनको सेहत दे और महाराष्ट्र का ज़्यादा से ज़्यादा वो काम कर सके। जो लोग आरक्षण के वास्ते है तो अल्लाह आरक्षण का काम शरद पवार से ज़्यादा मेहनत से करने लगे, इसकी हम दुआ करते हैं।
है।